बच्चों चलो इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक मिनट के अंदर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट। मतलब इनकम, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने के कारण डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, इस चेंज को मेजर करने को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मेजर करने के पांच तरीके। पहला तरीका परसेंटेज चेंज मेथड। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेगेटिव साइन आया, घबराना मत, सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप बताते हैं। दूसरा है डेरिवेटिव मेथड के अंदर, पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर डेरिवेटिव मेथड। ये वाला मेथड माइनस डीक्यूपी डिवाइडेड बाय डीपीक्यू, ये मेथड यूज करते हैं जब चेंज बहुत छोटा होता है। तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक या फिर ग्राफिकल मेथड। फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। एक्स एक्सिस पे इलास्टिसिटी रहती है जीरो, मिड पॉइंट पे रहती है वन, इन दोनों के बीच में रहती है लेस देन वन, मिड पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन वन, और वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी रहती है इनफाइनाइट। और इसके बाद है बेटा आप लोगों का आर्क। आर्क एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस लार्ज चेंज के लिए करते हैं, और टोटल आउटले मेथड जहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इनइलास्टिक, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इलास्टिक, और प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यूनिट इलास्टिक।